ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको वर्ष के सबसे पवित्र माह कार्तिक माह के प्रथम अध्याय का श्रवण कराएंगे। इस वीडियो में हमने पवित्र माह कार्तिक माह के महात्म्य की सुंदर पावन दिव्य मोक्षदायिनी कथा को आपको श्रवण कराने का प्रयास किया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल प्रभु संघ को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। आइए कार्तिक महामात्म्य के पहले अध्याय को प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था, उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र को ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया, जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसा कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सत्युग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। वह ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहाटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला और खा लिया। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैंने दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। कथा संपूर्ण। आशा है आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और कार्तिक मास की इस पावन कथा को सुनकर अपने मोक्ष द्वार को भगवान की कृपा से खुलवाएं। कार्तिक मास से रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।